बात करने वाले ऐसे शख्स के बारे में जो है बहुत कॉन्ट्रोवर्सियल। आज बात करने वाले ऐसे शख्स के बारे में जो पोएट थे, उसके बाद बने हुए बॉलीवुड के सॉन्ग राइटर और फिर बन गए पॉलिटिशियन। आज बात करने वाले ऐसे शख्स के बारे में जिसने पंगा लिया कांग्रेस के राहुल गांधी से अमेठी में उनके सामने चुनाव लड़ने का। आज बात करने वाले हैं ऐसे शख्स के बारे में जिनके पिताजी उन्हें आईएएस बनाना चाहते थे। आज बात करने वाले हैं ऐसे शख्स के बारे में जिनके उनको पार्टी ने उनकी बेइज्जत करके निकाला। आज बात करने वाले हैं ऐसे शख्स के बारे में जो कहते हैं कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। हाँ जी, आज बात करने वाले हैं कुमार विश्वास के बारे में। हेलो गाइस, दिस इज दीपक गौतम, आप देख रहे हैं फिल्म चाणक्य के, और आज दास्ताना स्ट्रगल में बात करेंगे जाने माने पोएट सॉन्ग राइटर पॉलिटिशियन मिस्टर कुमार विश्वास की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कुमार विश्वास का जन्म 10 फरवरी 1970 को पिलवा उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिताजी प्रोफेसर थे। कुमार के आज सारे भाई बहन कोई आईएएस है, कोई प्रोफेसर है, कोई वाइस चांसलर है, लेकिन कुमार के बारे में बता दूं वो पोएट है। इसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। कुमार विश्वास जब 10वीं क्लास में थे और वो पढ़ रहे थे तो कुछ खास नंबर नहीं ला पाए। कुमार के पापा चाहते थे कि वो ले साइंस या मैथ, साइंस से मतलब बायोलॉजी और मैथ से मतलब मैथ, लेकिन कुमार का तो कुछ और ही निर्णय था। कुमार ने कहा कि मुझे साइंस और आपके बायो में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है आर्ट साइड में। ये उनके घर के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उनके पिताजी चाहते थे कि या तो इंजीनियर बने, आईआईटी करे, या ये बन जाए आईएएस या पीसीएस। पीसीएस तो बनने से रहे थे, आईएएस या आईआईटी इंजीनियर की बात चल रही थी। इंजीनियर की बात चल ही रही थी, लेकिन उन्होंने अपने घर में एक बगावत का बिगुल फूंक दिया था। बगावत था कि मुझको आर्ट साइड लेना है। कुमार कहते हैं मुझको नहीं पता था कि मुझे आर्ट साइड क्यों लेना था, मुझे बस कविताओं में कहानियों में रुचि आने लग गई थी। कविताओं और कहानियों की बात करते करते कुमार विश्वास को घर में ये फरमान सुना दिया गया कि तुम चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट लो, अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम कोई सा भी सब्जेक्ट लेके आगे पढ़ सकते हो तो लो, लेकिन घर में तुमसे कोई बात नहीं करेगा, तुम्हें सिर्फ 2 वक्त का खाना दिया जाएगा, उसके बदले में तुम घर का सारा काम करोगे। कुमार विश्वास थोड़े देर के लिए घबराए, लेकिन वो अपने जिद पे अडिग रहे। कुमार विश्वास बताते हैं कि मैं जब सारी चीजों को सोच रहा था तो मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे अपनी जिंदगी में करना क्या है, मैं क्यों अपने पापा के निर्णयों का विरोध कर रहा हूँ। पिताजी ने बात करना बंद कर दिया था और घर में फरमान जारी कर दिया था कि कोई इससे बात नहीं करेगा, ना इसको कोई पैसे देगा। कुमार विश्वास के सामने एक चैलेंज था, उनको अपनी पढ़ाई खुद करनी थी, खुद के पैसों से करनी थी। कुमार विश्वास जैसे तैसे इंटर पास कर चुके थे, अब उनके सामने था कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। उनको प्राइवेट करना था बीए। बीए करने के लिए उनका जो प्राइवेट फॉर्म था वो बताते हैं दिसंबर में आता था, जुलाई का टाइम चल रहा था। उनको 130 रुपए इकट्ठा करने थे उस समय उनको बीए का प्राइवेट फॉर्म भरने के लिए। उनके पास 130 रुपए नहीं थे। पिताजी ने घर में फरमान जारी कर रखा था कोई उसको पैसे देगा नहीं, देगा तो उससे बात नहीं करेगा, और वो खुद तो दे ही नहीं रहे थे। कुमार विश्वास थोड़ा सा इधर उधर भटके और उनको पता चला कि कोई पत्रिका है जिसमें आर्टिकल छपता है, लेकिन आर्टिकल छपने का एक बहुत बड़ा प्रोसेस था। वो अपने किसी जानने वाले के थ्रू बात को जान पाए थे। उन्होंने 4-5 आर्टिकल लिखे और उनको पता चला कि वो आर्टिकल ऑलरेडी उस सब्जेक्ट पे पहले से वहां छप चुके हैं उस पत्रिका में। उन्होंने फिर दोबारा आर्टिकल लिखा, 2 आर्टिकल लिखे जिसमें से एक अप्रूव हो गया। उस चीज के उनको मेहताना 36 रुपए मिला था, 36 और 130 अभी फर्क काफी दूर था। फिर पता चला कि ऐसा ही प्रोसेस करते रहे तो उनको पैसा लगातार मिलता रहेगा। उन्होंने दोबारा फिर से आर्टिकल लिखा, फिर से आर्टिकल को रिजेक्ट कर दिया गया। दोबारा फिर आर्टिकल लिखा, 2 आर्टिकल में से 1 आर्टिकल अप्रूव हुआ और 1 रिजेक्ट हो गया। कुमार विश्वास का एक बहुत परम मित्र हुआ करते थे, वो उनके पिताजी कवियों का एक सम्मेलन करा रहे थे, बहुत बड़े बड़े कवियों को बुलाया गया था। उसमें जो ओपनिंग सेरेमनी होती है, आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे कवि होते हैं जिसमें ओपनिंग जो करता है बंदा, उसकी जरूरत थी। उन्होंने बहुत सारे कवियों को अप्रोच किया क्योंकि वो भूल गए थे बुलाना। जब बहुत सारे कवि आ गए, लास्ट टाइम अप्रोच किया गया तो बाकी कवियों ने मना कर दिया कि आज तक तो हमें बुलाया गया नहीं है पर आज जरूरत है तो हमें बुला रहे हैं। अब बात आई कुमार विश्वास पे, क्योंकि कुमार विश्वास कविताएं कहने लग गए थे, कहानियां कहने लग गए थे, आर्टिकल लिखने लग गए थे, तो उनको ये बेड़ा सौंप दिया गया। कुमार विश्वास ने ओपनिंग कर दी। वो बताते हैं 2 कविताओं तक तो ठीक था, लेकिन जब बात 3री कविता की आई तो मैं खुद मेरे को नहीं पता था और मैंने मना कर दिया। पब्लिक से आवाज आ रही थी, वंस मोर
कुमार विश्वास की गाड़ी लगभग चली चुकी थी। जब वो सारा प्रोग्राम खत्म हुआ तो कुमार विश्वास को एक लिफाफे में पैसा मिला, वो था 51 रुपए। ऐसे ही करके कुमार के पास 130 रुपए हो गए। उन्होंने अपने बीए का फॉर्म भर दिया। गाड़ी चलनी चुकी थी, बहुत जगह से धीरे धीरे उनको फोन आने लग गए थे, उनको बुलाया जाने लग गया था कविता पढ़ने के लिए। उन कविता पढ़ने के दौरान उनको इतने पैसे मिल जाते थे कि उनकी जिंदगी जीने के लिए बहुत होता था। पढ़ाई चलती रही, उन्होंने बीए किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर पीएचडी कर लिए और प्रोफेसर बन गए, कविताएं पढ़ने लगे, प्रोफेसर बन गए थे। उस बीच में उनको एक लड़की से उनका अफेयर हुआ जो लगभग 7 सालों तक चला। वो बताते हैं कि अगर वो मेरी जिंदगी में ना होती तो आज मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ ना होता, क्योंकि एक मेंटल जो पीस होता है, माइंडल पीस होता है, वो कहीं ना कहीं उनको वहीं से मिल रहा था, वो इंस्पायर वहीं से हो रहे थे। वो कहते हैं जो डिप्रेशन का 3 साल का दौर गुजरा था, वही जो दौर था उसी दौर में मैं बहुत सारी कविताएं लिख पाया, बहुत सारी कहानियां लिख पाया, बहुत सारी किताबें पढ़ पाया। अगर वो दौर ना होता जिसको जिंदगी में अकेलापन ना होता, अगर वो अकेलापन ना होता तो मैं लिख नहीं पाता। दूसरी बात ये थी कि जब उन्होंने निर्णय लिया था कि मेरे को आर्ट साइड करना है, मुझे पोएट बनना है, मुझे कहानीकार बनना है, तो उनके जितने दोस्त थे आसपास के सब उनसे दूर हो गए थे। और वो बताते हैं इसका मुझे बहुत फायदा मिला, आज भी उनके पास बहुत सारे दोस्त नहीं है। उस समय इसलिए नहीं थे क्योंकि उन्होंने लाइन दूसरी चल रही थी और लोगों को लगता था ये कुछ कर नहीं पाएंगे, उनके मजदूरों के माता पिता हमारे जिंदगी तक जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन जब वो बहुत आज सेलिब्रिटी हो गए तो आज लोग इसलिए नहीं पहुंच पाते, तो इतने बड़े हैं कि लोगों को लगता है कि शायद हमसे इंटरेक्ट ज्यादा ना करें, लोग काम से ही बात करते हैं। ये सारी चीजें चल रही थी, शादी हो गया, 2 बच्चे हो गए थे। जो दूसरी शादी भी हुई वो एक लव मैरिज थी, जो कि उनको कॉलेज में उनकी अर्धांगिनी उनको मिली थी और वहां से बातचीत हुई, उन्होंने शादी कर ली। जॉब चली रहा था, प्रोफेसर थी। इसी दौरान आया सन 2005, उनके जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। कविताएं कह रहे थे, नौकरी कर रहे थे, शादी हो चुकी थी, बच्चे हो चुके थे, पैसा बहुत ज्यादा कमाने लगे थे, जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आ चुका था। 2005 वो साल था जब जन आंदोलन बिल अन्ना हजारे वाला जन आंदोलन चलने लग गया। अन्ना हजारे के उस जन आंदोलन में ये सहभाग किए, ये पहुंचे अपने मित्र मनीष सिसोदिया के मदद से, वही मनीष सिसोदिया जो दिल्ली में पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे, वर्तमान में भी उप मुख्यमंत्री हैं। जब ये सारी चीजें चल रही थी उनके माध्यम से केजरीवाल के संपर्क में आए, एक्टिव हो गए, उस आंदोलन में एक्टिव हुए। और जब ये आंदोलन खत्म हुआ तो अन्ना तो अलग हो गए, लेकिन एक पार्टी का गठन किया गया। जब उस पार्टी का गठन हुआ जिसके संयोजक अरविंद केजरीवाल बने, मनीष सिसोदिया उस पार्टी के सदस्य थे, उसी सदस्यों के लिस्ट में फाउंडर मेंबर थे कुमार विश्वास, वही कुमार विश्वास जो पोएट थे, वही कुमार विश्वास जो एक कहानीकार थे, वही कुमार विश्वास जो एक प्रोफेसर थे। अपनी यूथ यंग चीजों का इमेज रखने वाले, अपने कहानी और अपने पोएट के माध्यम से युवाओं में अपना वर्चस्व पैदा करने वाले कुमार विश्वास का नाम पहले से तो था ही, लेकिन पार्टी के इन गतिविधियों के बाद, मीडिया लाइमलाइट के बाद और ज्यादा बढ़ गया। पार्टी का गठन हुआ और चुनाव लड़ लिया गया। उस चुनाव में पहली बार जो विधायक का चुनाव पार्टी ने लड़ा, हालांकि पार्टी को 24 सीटें जरूर मिली, लेकिन जो ये हमारे सदस्य थे मिस्टर कुमार विश्वास, उनको इसमें कोई टिकट नहीं दिया गया। इनको तैयार करा जा रहा था सांसद के टिकट के लिए, क्योंकि कुछ लोग तो विधायक का टिकट लड़ रहे थे, लेकिन सबको पार्टी के मेन फाउंडर मेंबरों को वो नहीं चाह रहे थे कि विवाह साहब कि उनको वो विधायक बना दिया जाए, क्योंकि सांसद का भी तो चुनाव लड़ना था। दौर बदला, 24 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी बनी। 13 दिन में उस पार्टी का गठबंधन टूट गया। लगभग 8 महीने तक 144 धारा दिल्ली में लगी रही। दोबारा चुनाव हुआ और 67 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी दोबारा सत्ता में आम आदमी पार्टी आ चुकी। दोबारा जब सत्ता में आते आते आम आदमी पार्टी जब दोबारा सत्ता में आई तो अरविंद केजरीवाल का वर्चस्व फैल गया। उन्होंने अपने आप को एज ए मुख्यमंत्री का पद सौंपा मनीष सिसोदिया को उप मुख्यमंत्री, लेकिन कुमार विश्वास को कोई पद नहीं दिया गया। यहीं से पार्टी में खनक लग गई, कुमार विश्वास को साइड लाइन किया जाने लग गया है। कुमार विश्वास भी मीडिया के सामने कभी कभी तंज कसी देते थे अपनी कविताओं के माध्यम से। वो कहते थे मैं कहानीकार हूँ, मैं कविताकार हूँ, जहाँ मैं गलत देखूंगा वहां मैं बोलूंगा, अगर मैं खुद भी गलत होता तो मैं अपने लिए कुछ ना कुछ तंज जरूर करते। साल 2014 आ चुका था।
सांसद के चुनाव होने वाले थे, मतलब प्रधानमंत्री चुना जाना था, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बन गए थे। अरविंद केजरीवाल के जो आसपास के लोग थे उन्होंने अरविंद केजरीवाल के मन में तीज जगाया कि अगर हमने दिल्ली जीता है तो हम इस देश को भी जीत सकते हैं। इसी देश के जीत में आपके कुमार विश्वास पहुंच गए अमेठी। अमेठी में टक्कर ले रहे थे कांग्रेस के चहीते, कांग्रेस के बेटे राहुल गांधी के सामने। अमेठी गढ़ माना जाता है कांग्रेस का, अमेठी गढ़ माना जाता है राहुल गांधी का, अमेठी गढ़ माना जाता है कांग्रेस परिवार का। हुआ भी कुछ ऐसा ही, कुमार विश्वास ने जान लगा दिया एक लोगों के घर गए बैठे, लेकिन हुआ उसके विपरीत। कुमार विश्वास वो चुनाव हार गए, स्मृति ईरानी बीजेपी से थी वो भी चुनाव हार गई और राहुल गांधी चुनाव जीत गए। लेकिन जितनी चर्चाएं राहुल गांधी की जीतने की नहीं हुई थी उतनी चर्चा कुमार विश्वास के हारने की हुई थी। कुमार विश्वास के चर्चा इसलिए भी बहुत ज्यादा बनी हुई थी क्योंकि वो दिल्ली वो लोग जीत चुके थे आम आदमी पार्टी। अब लग रहा था कि ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल जी की प्रधानमंत्री अगले हो जाए, क्योंकि उस समय आपकी बहुत तगड़ी लहर थी। हालांकि वो बहुत सारी सीटें नहीं जीत पाए, पंजाब में थोड़ा सा वर्चस्व जरूर बढ़ गया और इधर ये अमेठी हार ही चुके थे, पार्टी में फूट पड़ने लग गई, बहुत सारे लोगों ने पार्टी छोड़ दी। उसी में पार्टी छोड़ने वाले में एक थे कुमार विश्वास। कुमार विश्वास का वर्चस्व बहुत बढ़ चुका था, वो बहुत लाइमलाइट में आ चुके थे, मीडिया उनको कवरेज देने लग गया था, इतना कवरेज कि मेरे को लगता है इससे पहले कोई इतना कवरेज कभी मिला नहीं होगा। मतलब पॉलिटिक्स में आने का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा कहीं ना कहीं तो कुमार विश्वास को हो रहा था, वो इस बात को माने या ना माने। पार्टी छोड़ चुकी थी, पार्टी को छोड़ देते हैं, कुमार विश्वास अपनी जिंदगी में आगे निकल चुके थे, कुमार विश्वास संजय कसने लग गए थे। कुमार विश्वास कहते हैं कि यार दोस्ती टूट चुकी थी, वो दोस्त जो 40 साल से मेरे दोस्त थे वो सारी चीज टूट चुकी थी। आज की अगर स्टेटस की बात करूं तो कुमार विश्वास की दो बेटियां हैं, एक 12th कर रही है और एक लंदन में ग्रेजुएशन कर रही है। वो कहते हैं आजकल का जो कल्चर है, जो सोसाइटी है, जो बच्चों का लैंग्वेज है बिल्कुल बदल चुका है, बच्चों के प्रोनाउंसिएशन में अब चीजें बदल रही हैं। कुमार विश्वास आज बहुत खुश हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, कविताएं पढ़ रहे हैं, टीवी शो कर रहे हैं। हाल ही में आज तक उनका एक शो आ रहा था केवी सम्मेलन, बहुत सारे टीवी शोज करने लग गए हैं, चीजें हो रही हैं, अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। सो गाइस, आई होप आपको कुमार विश्वास की जर्नी बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन क्वेरी से कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए। किसी की जर्नी के बारे में, बायोग्राफी के बारे में आप जानना चाहते हैं, धड़ल्ले से नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसकी बायोग्राफी आप तक लेके आऊं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा ताकि मैं दोबारा वीडियो लेके आऊं। वीडियो और ज्यादा अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, फेसबुक पेज पे और यूट्यूब के माध्यम से जहां आपके पास शेयर है शेयर कीजिए। जब तक मैं दीपक गौतम आपसे विदा लेता हूँ, जस्ट अ बिगनिंग, सी यू सून।